पूरी तौर पर ये मांग करते हैं कि पूरी तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए सरकार को। बल्कि सच्चाई ये है कि कोरोना काल में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तौर पर ध्वस्त हो गया। लोग तरप तरप करके जान दे रहे थे और मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि एक भी लोग ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरे हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। सदन का आज से मानसूत्र सत्र चलना है, लेकिन इसके पहले ही विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। आपको बता दें कि सदन के बाहर सीपीआई एमएल और सीपीआई के जो विधायक हैं वह नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विधायकों की पिटाई हुई है उसको लेकर लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर है। साथ ही उन्होंने कोरोना आपदा में मृतक जो आश्रितों को 4 लाख रुपए देने की बात हो या अन्य मुद्दे की बात हो, 3 महीने के अंदर सभी को वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सदन का सत्र शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले ही बाहर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। सर, क्या कुछ कहना है? नहीं, आज जो हमें कहना है कि पिछले दिनों जो कोरोना काल में लोग मारे गए हैं उनकी सूची जो है सही अभी तक नहीं बनाई है, और जो उसके लिए जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं वो सबको नहीं दिया जा रहा, और ये सब चीज़ सरकार के इंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है ताकि कम से कम लोगों को बताया जा सके कि मरा। बल्कि सच्चाई ये है कि कोरोना काल में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तौर पर ध्वस्त हो गया और कहीं अस्पताल काम नहीं कर रहा था। ऑक्सीजन के बगैर लोग तरप तरप करके जान दे रहे थे और मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि एक भी लोग ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरे हैं। सिर्फ एसी रूम में पटना में बैठ करके ये बयान देने से नहीं होगा। बिहार की जनता का आह जो निकला है वो इस सरकार को जला करके राख कर देगा कोरोना काल में मरे हुए व्यक्तियों का। इसलिए सरकार से हम पूरी तौर पर ये मांग करते हैं कि पूरी तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए सरकार को। सर, काला मास्क लगाए हुए हैं, आज काला दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि विधायकों की पिटाई इस विधानसभा के अंदर देश की आज़ादी के बाद वो पहली घटना थी, और इसीलिए हम लोगों ने काला मास्क लगाया। सरकार को कहेंगे कि आप इसके लिए जो है माफ़ी मांगिए जनता से, और सदन में आप माफ़ी मांगिए। कल तो नीतीश कुमार ने जो आचार समिति का जो गठन हुआ था उसका फैसला भी आ चुका है पिछले दिन, और 2 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया गया। ये तो मजाक किया गया है ना, ऑर्डर किसका था, ऑर्डर किसने दिया? सिपाही की क्या औकात है कि किसी विधायक के ऊपर वो जूता से हमला कर दे? हमला किया है डीएम पटना का, कलेक्टर ने किया है, एसपी ने किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। सिपाही पर निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होता है, निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उसके लिए जो जिन्होंने आदेश दिया उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जिन्होंने बूट से विधायकों को पीटा उसके ऊपर कार्रवाई जो है, जो आदेश देने वाले हैं एसपी और डीएम उसके ऊपर कार्रवाई हो। सीधे तौर पे यहाँ आज सदन चलने के पहले ही हंगामा शुरू हो चुका है और विधायकों की जो पिटाई हुई थी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।